बोलो श्री गुरुदेव भगवान की। ओम जय गुरुदेवम जय गुरुदेव। सुई पावन सुई सुबग शरीरा, जो तन पाई भजिए रघुवीरा। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम द्वंद्वातीतम गगनसदृशम तत्त्वमस्यादि लक्ष्यम एकम नित्यम विमलमचलम सर्वधि साक्षीभूतम् भावातीतम् त्रिगुणरहितम् सद्गुरुम् तुम नमामि सद्गुरुम् तुम नमामि। बोलो श्री गुरुदेव भगवान की। कबीर का एक शिष्य हुए हैं कमाल, दो शिष्य थे हजारों, उनमें पार होने वालों में दो का नाम आता है धर्मदास और कमाल। कमाल का एक भजन है, तुम रही हीरा हराए गया कचरा में, पांच पचीसों के झगड़ा में, मोरा हीरा हराए गया कचरा में, कोई पूरब कोई पश्चिम ढूंढे, कोई पानी कोई पत्थरा में, मोरा हीरा हराए गया कचरा में, कोई मंदिर कोई मस्जिद ढूंढे, कोई पोथी कोई पत्थरा में, मोरा हीरा हराए गया कचरा में, तुम्हारा हीरा हराए गया कचरा में, कोई काशी कोई मथुरा ढूंढे, कोई मक्का कोई मदीना में, मोरा हीरा हराए गया कचरा में। कहत कमाल कबीर के बालक, हीरा मन के अतरा में, मोरा हीरा हराए गया कचरा में, तो पांच पचीसों के झगड़ा में, मोरा हीरा हराए गया कचरा में। तीर्थ हूँ मैं खोजिया गहरी बूढ़ी मार, ओ जल पखान के बीच में किन पाया करतार। गुरु नानक का कथन है, तीर्थ में गहरी डुबकियां लगा के ढूंढा, भला जल और पत्थरों के बीच में कब किसने भगवान को प्राप्त किया है। क्या तीर्थ व्यर्थ है, अनिवार्य है। तीर्थाटन साधन समुदायी, जोग विराग ज्ञान निपुणाई, नाना कर्म धर्म व्रत दाना, संयम दम जप तप मखनाना, भूत दया द्विज गुरु सेवकाई, विद्या विनय विवेक बढ़ाई, जहाँ लगी साधन वेद बखानी, सब कर फल हरि भगति भवानी। सारे तीर्थों का भ्रमण, संपूर्ण साधनों का समुदाय, जोग और वैराग्य
ज्ञान में दक्षता, भूतों पर प्राणियों पर दया, जहां लगी साधन वेद बखानी, ये साधन है, ये सब वेदों ने इस पर बल दिया है, बखान किया है, जहां लगी साधन वेद बखानी, सब कर फल हरि भक्ति भवानी, सबका फल हरि की भक्ति है। परम ब्रह्म परमात्मा का सहस्रों नाम है, उनमें से एक नाम हरि भी है। वो जिस पर अनुग्रह करते हैं उसका शुभाशुभ हर लेते हैं और बदले में अपना स्वरूप, अपनी विभूति प्रदान कर देते हैं। इसलिए भगवान का एक नाम हरि है, सबका फल हरि की भक्ति है। दान दया दम तीर्थ मजन, जा लगी धर्म कहत श्रुति सज्जन, सब कर फल हरि भक्ति सुहाई, सो बिनु संत न काहू पाई। संपूर्ण तीर्थों का भ्रमण अवगाहन, संपूर्ण साधनों का समुदाय, दान दया, इंद्रियों का दमन, मन का समन, दान दया दम तीर्थ मज्जन, जहां लगी धर्म कहत सुजित सज्जन, जहां तक श्रुति और सत्पुरुषों ने धर्म कहा, दान भी दया भी इंद्रियों का दमन मन का समन तीर्थ का अवगाहन, जहां लगी धर्म कहत श्रुति सज्जन, सब कर फल हरि भक्ति सुहाई, सो बिनु संतन काहू पाई। सब की फल है हरि की भक्ति, वो भक्ति बगैर संत के आज तक किसी ने प्राप्त किया ही नहीं। सो बिनु संतन काहू पाई, बगैर संतों के आज तक उस भक्ति को किसी ने प्राप्त नहीं किया। लक्ष्मण राम पंचवटी में विराजमान थे, छलहीन बहुत प्रश्न लक्ष्मण ने किए, भगवान माया क्या, ब्रह्म क्या, ईश्वर क्या, सुख का स्रोत क्या, तो भक्ति ताते अनुपम सुख मूला, मिले जो संत हो ही अनुकूला। अनुपम सुख की मूल भक्ति है लक्ष्मण, कृपा करके मुझे भक्ति प्रदान कर दे। बोले सीधा तो मैं भी नहीं दे सकता, मिले ही जो संत हो ही अनुकूला, वो मिलेगी तभी जब संत अनुकूल हो, संत मिलना पर्याप्त नहीं, संत अनुकूल हो। तो भक्ति सो बिनु संतन काहू पाई, राम जी ने कहा वो लक्ष्मण सारे सुख की मूल भक्ति ले मिलेगी तभी जब संत अनुकूल हो। पूज्य गुरु महाराज का कहना था, भजन एक ऐसी वस्तु है, योग साधना एक ऐसी धारा है, जो किसी तत्वदर्शी महापुरुष के द्वारा किसी किसी अनुरागी अधिकारी के हृदय में जागृत हो जाया करता है। वो लिखने में नहीं आता, वाणी से कहने में भी नहीं आता, वो एक जागृति है। सो बिनु बगैर सदगुरु के कभी हुआ ही नहीं, किसी अनुभवी सदगुरु के द्वारा ही किसी किसी अधिकारी के हृदय में ये जागृति हो जाया करती है। भजन एक जागृति है, यही परमात्मा राम कहते हैं, सो बिनु संतन काहू पाई, मिले जो संत हो ही अनुकूला। जन्म भरम तीर्थी करते रहे, आगे वाली क्लास पर ध्यान ही नहीं दिया, तो ये हल्कापन है। तीर्थ अनिवार्य है, उसके बिना भक्ति नहीं, लेकिन तीर्थी 10 साल में 20 साल में 50 साल में 90 साल में अभी तीर्थी, अभी एक ही लकीर, आगे वाली क्लास की ओर ध्यान बटाते हुए महापुरुष कहते हैं कि मोरा हीरा हराय गया कचरा में, 5-25 के झगड़ा में, मोरा हीरा हराय गया कचरा में। परमात्मा एक हीरा है, विधाता और उत्पन्न सृष्टि नश्वर है, मरण धर्मा है, किंतु परमात्मा ही एक शाश्वत है। उसको एक हीरे की संज्ञा दी है। कमाल कहता है मेरा हीरा खो गया कचड़ा में। कचड़ा क्या था? तो 5-25 के झगड़ा में मोरा हीरा हराय गया कचड़ा में। 5 तत्व छिति जल पावक गगन और समीर, पंच रचित अति अधम शरीरा, 25 प्रकृति, 5 का 5 में संचार है, वो 25 प्रकृति है। पृथ्वी में भी अग्नि है, आकाश है, वायु है, लेकिन प्रधानता
पृथ्वी की है, अग्नि में सब है, वायु भी है, जल भी है, आकाश भी है, प्रधानता अग्नि की। पांचों में जो पांचों का संचार है, इससे हलन चलन और क्रिया होती है, इसलिए 25 प्रकृति कहलाती है। शास्त्रों में 25 और 24 प्रकृति, पांच तत्व, रूप रस गंध शब्द स्पर्श, पांच पांच दस, पांच कर्म इंद्री, पांच ज्ञान इंद्री, 20 मन बुद्धि चित्त अहंकार चतुष्टय अंतःकरण, सब मिलाकर पांचों तत्वों का पांचों में संचार, 25 प्रकृति। जब पांचों का पांचों में संचार होता है तब हलन चलन और क्रिया आरंभ हो जाती है। तो पांच पचीसों के झगड़ा में मोरा हीरा हरा गया कचरा में, इन्हीं के झंझट में हमारा खो गया हीरा, वो परमात्मा रतन खो गया, हम इसी में उलझते रह गए। बुद्धि ने क्या कह दिया, मन ने क्या संकल्प कर दिया, तो इंद्रियों ने क्या देख लिया, हम इसी में खो गए। उस रतन को प्राप्त करने के लिए कोई मंदिर कोई मस्जिद ढूंढे, कोई पोथी कोई पत्थरा में मोरा हीरा हरा गया कचरा में। कोई मंदिर में ढूंढता है, मूर्ति में, कोई मस्जिद में दौड़ के जाता है, कोई पोथी पलटता रहता है, सुंदरकांड पाठ आज जो किया, 10 साल बाद भी किया, हनुमान चालीसा आज भी किया, 150 साल बाद भी किया, और कोई कोई पत्रा में देखो तो पंडित जी भाग्य रेखा में लिखा है कि नहीं भक्ति। तो कोई पोथी कोई पत्रा में मोरा हीरा हरा गया कचरा में। भगवान राम अयोध्या में थे, कोई महात्मा नहीं मिला, मिले ही नहीं, और एक महात्मा वो भी जंगल से आए थे विश्वामित्र, आए और गए। किंतु जब वनवास हुआ तो प्रयागराज हाथी चिंगाड़ रहे थे, शेर दहाड़ रहे थे, भरद्वाज ऋषि ने कहा राम इस पगडंडी से चले जाओ, ये गंगा तक पहुंचा देगी, वहां तमाम लकड़ियां गिरी पड़ी है, लताओं से बांध के नाव बना लेना, हिला डुला के देख लेना, सीता जी को बैठा देना, फिर अपना सामान रख लेना, दोनों भाई बैठ के चलाते हुए उस पार चले जाना, जहां चींटी की तरह आदमी घुमा करते हैं, इलाहाबाद प्रयागराज, वहां स्वयं गिरी पड़ी लकड़ियां और लताओं का उल्लेख है, जंगल। जंगल में प्रवेश के साथ ही भरद्वाज, फिर वाल्मीकि, अत्रि, अंसिया, सर्वभंग, सुतिक्षण, अगस्त्य, सबरी, मतंग, ऋषियों की लाइन लग गई, एकांत सेवी महापुरुषों की लाइन लग गई, और हजारों कुटीर थी। सब जगह गए भगवान ने, असुरों का आतंक जहां तहां देखने को मिला, उनका वध किया, इन महापुरुषों को निरापद भजन के लिए निरापद कर दिया, आपदाएं खत्म। सब जगह धुना जल रहा था, सत्संग हो रहा था, परामर्श हो रहा था, विनिमय हो रहा था, चिंतन हो रहा था, कोई ध्यानस्थ था, लेकिन किसी भी आश्रम में आपको मंदिर नहीं मिलेगा। रामलीला में देखते हो ना, ये शुरुआत की पढ़ाई, ये मंदिर गलत नहीं है, हमने पूर्वजों की स्मृतियां संजोई है, और वो महापुरुष जहां हम श्रद्धा से नमन करेंगे तो आशीर्वाद देंगे, मंदिर भी आशीर्वाद देंगे, क्यों कि जो महापुरुष प्राप्ति वाले हुए उनकी स्मृति हमने संजोई, यदि प्राप्ति वाले हैं तो अवश्य देंगे, कारण कि महापुरुष सदैव रहते हैं, शरीर तो उस दिन त्याग देते हैं जिस दिन स्वरूप प्राप्त कर लेते हैं। आत्मा विदित थे, आत्म तृप्त थे, आत्म स्थित थे अर्जुन, उस महापुरुष के लिए किंचित भी कर्तव्य शेष नहीं, प्राप्त होने योग्य वस्तु अप्राप्त नहीं, फिर कर्म करे चाहे न करे कोई प्रयोजन नहीं, वो सदा रहने वाला जीवन और सदा रहने वाली शांति प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे आत्म तृप्त स्थित महापुरुष, आज से शरीरों के होने का कारण खत्म हुआ, शरीर तो त्याग दिया, और किंतु वो जो
तन मिला है, इसकी निश्चित आयु ही खत्म होगा ही, ये तो चला जाएगा, लेकिन अपने सहज सूक्ष्म स्वरूप से सदा विद्यमान रहेंगे। कोई श्रद्धा से पुकारता है तो दर्शन भी देंगे, कल्याण भी करेंगे। अत्रि महाराज सतयुग में हुए, गुरु महाराज को आकाशवाणी हुई, शरीर से रहना है तो जाओ चित्रकूट सती अंसिया, यहाँ रहो। जब रहने को मिल गया तो यहाँ बड़े बड़े मच्छर दो डंक मार दे तो एक रुपए के बराबर चमड़ी एक डेढ़ सूत ऊपर उठ जाए, ददोड़ा पड़ जाए, इतने भयंकर मच्छर, मलेरिया बुखार आने लगा। तब सोचा आगरा में भगत हैं, वो बढ़िया से दवाई करवा देंगे, ठीक हो जाऊंगा तो चला आऊंगा। चले गए, बहुत खुश हुए भगत लोग, संत जी आए, गुरु जी आए, रात को 10 बजे सब चले भी गए। 2 बजे राइट टाइम महाराज की उठ के बैठने का समय था, चिंतन का, उठ के बैठे, तब अत्रि महाराज का स्वरूप पहुंचा। बोले अरे शरीर की जब इतनी चिंता करोगे तब भजन कैसे होगा, चलो 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 आश्रम चलो, बुखार आ गया तो क्या हो गया, शरीर की जब इतनी चिंता करोगे तब भजन कैसे होगा, चलो चलो आश्रम चलो। तो महाराज खड़े हो गए, सादर प्रणाम किया, बोले अरे अत्रि महाराज आप क्यों चले आए, वहीं से इशारा कर देना था मैं चला आता। बोले भाई मैं नहीं आता तो कौन आता, वहां था कौन, एक तो वहां मैं हूँ और दूसरे तुम हो और कोई नहीं। महाराज कहे हो सतयुग से लेकर अब तक की अवधि में अत्रि महाराज के आश्रम में केवल अत्रि महाराज है, दूसरा मैं हूँ, बीच में कोई हुआ ही नहीं। तो महापुरुष जो स्वरूपस्थ होते हैं उस सूक्ष्म स्वरूप से सदैव रहते हैं, कोई श्रद्धा से पुकारेगा तुरंत मार्गदर्शन करेंगे। महाराज को विधिवत दर्शन दिया, रात को 2 बजे उठ के महाराज वहां से चल पड़े, फिर भगत लोगों के ऊपर जो सुख दुख बीता हो चले आए। महाराज ने पूछा अब ये महापुरुषों की बीमारी है, महाराज ने भगवान से पूछा जब निवृत्ति हो गई, पाप कट गया, पाप है ही नहीं, तभी मरणांतक पीड़ा क्यों है, मैं रोज भोग क्यों रहा हूं। तब भगवान ने कहा छू छू के सबका बुखार उतार लेते वो कौन भोगेगा। तब महाराज ने सोचा अरे हमने तो इतना कुछ छू दिया जिसकी कोई गणना ही नहीं की जा सकती, रोज 10-20 आया करे लोग, मलेरिया बुखार, तिल्ली, चूड़ी ताप, ये जंगली बुखार है और डॉक्टर कोई नहीं, वैद्य कोई नहीं, गमर गट्ठी वाला एक इलाज चलता है, बोले उपवास करो, लंघन करो, 10 उपवास 15 उपवास, बोले खाना न पाई तो बुखार उतर जाए, एक जड़ बुद्धि वाला ही ज्ञान वहां चलता था, अमाओं के उपवास करवाए हैं लोग, यही चल रहा था। महाराज के पास जाए तो बोले महाराज 3 महीने से मर रहा हूँ, कोई कह 6 महीने से, कोई महीना भर से, तिजारी आ रही है, अतरा आ रहा है, चौथी आ रहा है, एक दिन छोड़ के एक दिन बुखार अतरा कहलाता है, 3rd दिन एक बुखार तिजारी, 4th दिन चौथिया, ये मलेरिया के ही सब बुखार है। महाराज के पापी कहीं का पाप करे तुम लोग और भोगे बाबा जी, पटक मुड़ी खो विभूति, जहाँ प्रणाम करके धुनी में प्रणाम करें तो एक छड़ी मार दे, मैं पापी कहीं पाप ही करें भोगे बाबा जी, उठा विभूति खा ले जो। फिर हंसे बोले देख रहे बुखार की पारी कब है, तो बोले महाराज कल या परसों। बोले पारी बिता क्या, देख क्या होता है, बुखार न आवे तो फिर पौवा डेढ़ पाव दही लेके दौड़े। बोले अरे महाराज बुखार तो नहीं आया, बोले जो बेटा बुखार गया। हजारों केसर हमारे आंखों के सामने रोज ये घटना घटे, हम वहां पंखा लेके खड़े रहा करें। तो हम बाद में जब महाराज को भगवान से पूछा तो भगवान ने कहा जब रोज छू छू के उतार देते हो कौन भोगेगा, उसको साल भर भोगेगा, तुम 12 ही दिन भोग लो। तो बोले महाराज हमने तो बहुत छू दिया कब तक। तब अनुभव में आया कि एक डुमार आया, एक आंख का काना, कपड़ों से दुर्गंध। बोले मालिक हमारा पैसा हमें मिल जाए। बोले कैसे, कितना पैसा है तुम्हारा। बोले 3 आना। बोले कैसे लोगे तुम हमसे,
बोले 3 महीना और बुखार, बोले धैत तेरी पाप की ससुरा एक आने में 1 महीना भोगा होते हैं। जोड़ो हो कौन महीना, बोले सावन लगा महाराज आज, बोले सावन भादो कुवार, कुवार में हमारा बुखार उतर जाएगा, जब छुए हो उतारे हो तो भोग लो परमहंस जी, कौन भोगेगा। उतर गया कुवार में बुखार, जबकि फसली बुखार कुवार ही में चढ़ता है, भोग पूरा हो जाने पर ही अपने आप शांत हो जाता है। इसलिए महाराज के पास दवाई रखी रहे, भगवान ने करने दे, छूना मत खाना मत, और समय आ गया अपने आप ठीक हो गया तुरंत। तो महापुरुष सदैव रहते हैं, वो आशीर्वाद देंगे। हमने उन महापुरुषों की स्मृति संजोई है, जिसका नाम मंदिर भी है, मस्जिद है, कोई कुछ है, आशीर्वाद देंगे तो वर्तमान में जहाँ महापुरुष हैं, सदगुरु हैं, वहां शरण में भेज देंगे, फिर साधना मिल जाएगी, पार हो जाओगे। लेकिन भजन तो भजन के तरीके से करना होगा, और फिर कहोगे जन्म भर अगरबत्ती जला दिया तो भजन हो गया, तब तो मुश्किल हो गया। तो कोई मंदिर कोई मस्जिद ढूंढे, कोई मंदिर में समय दे रहा कोई मस्जिद में, तो कोई पोथी कोई पत्रा में, मोरा हीरा हराय गया कचरा में। हमारा परमात्मा एक रत्न है, वो सार तत्व है, वो कचड़े में खो गया, भला कचड़ा ही क्या था। तो 5-25 के झगड़ा में, मोरा हीरा हराय गया कचरा में। 5-25 पर किन के झगड़ों में, और फिर लोगों के साधना की सही पद्धति न मिलने से कोई मंदिर कोई मस्जिद कोई कोती कोई पतड़ा, ये सब कचड़ा ही बढ़ता चला गया। और फिर उस प्रभु को प्राप्त करने के लिए कोई पूरब कोई पश्चिम ढूंढे, पूरब में गंगा सागर चलो, पश्चिम में मक्का मदीना। जहां नमाज पढ़ना हुआ तो पश्चिम को मुंह कर लेंगे, लेकिन मक्का मदीना के उधर वाले लोग पूर्व को कर लेंगे, उद्देश्य तो अपने इष्ट कहां है उससे प्रयोजन है। तो कोई पूरब कोई पश्चिम ढूंढे, तो कोई पानी कोई पत्थरा में, मोरा हीरा हराय गया कचरा में। और कोई तो पूरब पश्चिम भगवान इधर रहते हैं, कोई कहता गंगा सागर, कोई पानी में, बोले हमने 30 साल हो गया गंगा स्नान करते, कोई पथरा में, भला जल पखान के बीच में किन पाया करता। तो कोई काशी कोई मथुरा ढूंढे, कोई मक्का कोई मदीना में, मोरा हीरा हराय गया कचरा में। कोई काशी कोई मथुरा कोई अयोध्या कोई रामेश्वरम, कोई मक्का कोई मदीना कोई यरूशलेम कोई ननकाना। तो ये महापुरुष जहाँ भजन करते हैं वो कालांतर में वही तीर्थ बन जाता है। गुरु नानक के पूर्व ननकाना था, राम से पूर्व अयोध्या का महत्व था, मोहम्मद साहब के जन्म के पहले मक्का मदीना था। तो महापुरुषों ने जहाँ जप किया तप किया, जहाँ उपदेश दिया, जहाँ स्थिति प्राप्त की, फिर कालांतर में जहाँ जन्म हुआ, जहाँ महाप्रयाण को प्राप्त हुए, वो सारी स्थलियां तीर्थ कहलाती है। बुद्ध से पहले बुद्ध गया थी, इसलिए साधु नाम दर्शनम पुण्यम, तीर्थ भूता ही साधुआ, काले फलंती तीर्थानी, सद्य है साधु समागमः। साधु का दर्शन पुण्य है, पूर्णत्व की प्राप्ति की साधना की लड़ी कड़ी है। भूतकाल के संत ही आज के तीर्थ हैं, उन्होंने जहाँ जब तब संयम किया उन्हीं स्थलियों पर स्मृति संजोई गई, वो तीर्थ हैं। काले फलंती तीर्थानि सद्य साधु समागमः, काल पा के तीर्थ फल अवश्य देते हैं, और साधु समागम तत्काल फल देता है। इसलिए लोग मक्का मदीना कोई काशी मथुरा, लेकिन हीरा है कचड़े में, आखिर मिलेगा कहाँ, वो कचड़ा कहाँ रहता है।
तो कहत कमाल कबीर के बालक, हीरा मन के अतरा में मोरा हीरा हराए गया कचरा में। कबीर कमाल के शिष्य, हीरा मन के अंतराल में, मन का अंतराल पाट दो वो प्रभु प्रकट हो जाएंगे। भगवान कृष्ण कहते हैं, इहे व तेर जिते सर्गो ये शाम साम्य स्थितम मन निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्मात ब्रह्मणी ते स्थित है। उन पुरुषों के द्वारा जीवित अवस्था में ही सारा संसार जीत लिया गया। किनके द्वारा? जिनका की मन समत्व में स्थित है। भला मन के समत्व स्थित होने से और संसार जीतने से क्या संबंध है? निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्मात ब्रह्मणी ते स्थित है। ब्रह्म निर्दोष और सम है, इधर मन भी निर्दोष और सम की स्थिति वाला हो गया, इसलिए ब्रह्म में स्थित हो जाए। मन का अंतराल पाट दो, इसी का नाम है कचरा, वो मिल जाएंगे भगवान। और मन बड़ा दुर्जय है, हमारे और भगवान के बीच में यदि रुकावट है तो केवल मन, और मन केवल एक होता है। मन लालच में पता नहीं कहाँ कहाँ भटकता रहता है, वो देवता वो देवी। लेकिन तुलसी मन तो एक है, भावे जहाँ लगाए, भावे हरि की भक्ति कर भावे विषय कमाए। तुलसी का कहना मन एक, रुचि कर हो तो विषय कमाओ, रुचि करो तो भगवान की भक्ति कर लो। एक काम कर पाएगा, एक ही स्वामी को संपूर्ण प्रश्न कर पाएगा, प्रसन्न कर पाएगा। मन एक, उधो जी मन न भय दस बीस, एक हु तो शो गयो श्याम संग को अवराधे ईश। उधो मन न भय दस बीस, मन दस बीस नहीं हुए, केवल एक था, वो श्याम के साथ चला गया। दूसरा मन है ही लावे कहां से जब है ही नहीं, जिससे हम योग साधें। आप ही बताओ, थोड़ा सत्संग आगे चला तो राधा जी के चरणों में लौट गए, गए थे ज्ञान सिखाने भक्ति सीख के चले आए, फिर लौट के आए तो फिर बकझक नहीं लगाया, जहां देखो तहां चिंतन में खोए हुए दिखाई पड़े। तो समझाने का भी तरीका था भगवान का, बोले इस मूर्ख से बात करने से कोई बात, बातों से नहीं समझ में आती, प्रैक्टिकल चाहिए, क्रियात्मक चाहिए। तो मन एक, मन में जो दुविधाएं पड़ी हुई इसको पाट दो, मन का अंतराल पाट दो। तो हीरा मन के अतरा में मोरा हीरा हराए गया कचरा में। हमारे और भगवान के बीच में रुकावट है तो केवल मन। संसार में एक इकाई है तो भगवान, एक ही प्राप्त करने की विधि, एक जैसी सुविधा मिलेगी, एक ही विधि। चित्त जो चारों तरफ भटका हुआ समेट के उन परमात्मा के चिंतन की राह में लगा दो। गीता आपका धर्म शास्त्र है, चार आवृत्ति कर लोगे तो समझ में आने लग जाएगा, भली प्रकार आ जाएगा कि भजन कैसे करें, नाम कौन सा जपें, चिंतन कैसे करें, समझ में आ जाएगा। साधना एक, सुविधा एक जैसी मिलेगी, परिणाम एक, दर्शन स्पर्श और स्थिति। भगवान एक से सवा कभी हुआ ही नहीं। ये तो हमारा मूल धर्म शास्त्र खो जाने से, विस्मृत हो जाने से, वो विस्मृत हो जाने का दुष्परिणाम है, जो करोड़ों शास्त्र करोड़ों भगवान और पता ही नहीं। इसलिए गीता आपका धर्म शास्त्र, उसको पढ़ो, लाइन तुरंत मिल जाएगी। कैसे भी संस्कार हो कट जाते हैं। एक लड़का आया 20 साल का महाराज की शरण में, बोले महाराज हमें साधु बना ले, मैं जन्म भर आपकी सेवा करूंगा, भजन करूंगा। तो महाराज बोले, करे तोरे में तो एक को लक्षण नहीं है साधु होए का, काहे भागा रे घर से, तोरे तो चेहरे पर हत्या चढ़ी है, तू कहता मैं साधु होऊंगा, क्यों भागा घर से? बोले महाराज वैराग्य जग गया। बोले दे तेरी वैराग्य की, नानी के आगे ननियवरे का बखान करे काहे भागे रे? तो बोले महाराज हमारी उम्र कुल 22 साल है, 20 का हो गया हूँ, 2 साल में क्या कर लूंगा, संसार में जब 2 ही साल बाकी है तो क्यों ने भगवान का भजन करूं, इसलिए चल आया।
शादी भी हमने इनकार कर दिया। तो बोले अच्छा तू कैसे जानता कि उम्र हमारी 22 साल है। बोले महाराज हाथ में आयु रेखा भी नहीं है, कुंडली में भी लिखा है 22 साल। लगा हाथ दिखाने, सब घेर के देखने लगे, 5-6 लोग और भी थे, आगे थे भगत लोग, कुछ संत। अब डबडबाई आंखों से, मौत का भय बहुत खराब होता है, वो भी देख रहा था भीगी आंखों से, और जो रेखा वो बता रहा था वास्तव नहीं थी। तो महाराज जी ने चुपके से छड़ी उठाया और सटाक देना, एक छड़ी मारा हाथ में, तो सट ना हाथ पीछे खींचा और बगैर कुछ बोले सन दिया भाग के उतनी दूर जाके बैठ गया। जंगल में जाए तो कहां जाए, शाम का समय था, घनघोर जंगल। अब महाराज कैसे मरे के डर के मारे साधु हुए आवा है, कहते वैराग्य जग गया। सुनाया 15 टो खरी खोटी। दूसरे दिन बड़े सवेरे उठ के आया, बोले अब गुरु महाराज रेखा तो जाम गई। तो महाराज के देखो हो का कहते, देखा तो वास्तव में रेखा थी। तो बोले बोल बेटा अब क्या करेगा। बोले गुरु महाराज हुक्म होता तो घरे चला जाते हूँ। बोले दे तेरी बैरागी जी, कहते बैराग जग गया। अब भी जिंदा है वो। महाराज कहे कोई सिद्धि नहीं, जो इच्छा करी हो मन माही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। कमाल बड़े ज्ञानी थे कबीर साहब, रोज सत्संग सुनावे नियमित। 3 दिन के लिए कहीं जाना था तो बोले कुटीर का नियम न खंडित हो, ऐसा करो कमाल तुम सुना दिया करना। पुराने पुराने श्रोता थे, अपन उड़क के बैठ जाए जानता दीवाल से, वो सत्संग सुनावे और श्रोता लोग सोया करें। तब सोचा मैं व्यर्थ बकवास कर रहा हूं, ये तो सब सो रहे हैं। तो सोच विचार के कहा कल सत्संग उन्हीं को सुनाया जाएगा जो 2 पैसा लाएगा। बहुत नाराज हुए सब, कबीर साहब का भी शिष्य ऐसा होगा नालायक कि हमें विश्वास नहीं था। देखो ना सत्संग सुनाने का पैसा मांगता है, लेकिन भैया हम 10 साल से नियमित सुन रहे हैं सत्संग, हम 15 साल से सुन रहे हैं नियमित सत्संग, अब 2 ही दिन का मामला है, सत्संग खंडित न हो नियम। देव 2 दिन पैसा, परसों तो आ ही जाएंगे कबीर साहब। दिया पैसा और दांत पीस के बैठ गए, देखें आखिर पैसा लिया कहता क्या है। अब ध्यान से सुनने लगे, किसी को नींद नहीं आवे, पैसे की चोट जो लग गई थी, 2 पैसा बहुत होता था उस जमाने में। और विधिवत सुना, दूसरे दिन भी सुना, जहाँ कबीर साहब आए तो बिगड़ खड़े हुए, बोले अरे महाराज ये आपका शिष्य बिल्कुल नालायक, सत्संग सुनाने का हम लोगों से पैसा लिया। तो कबीर बोले भैया बूढ़ल वंश कबीर के उपजा पुत कमाल, अब हमार वंश डूब गया। तो कमाल बोले नहीं गुरु महाराज बूढ़ा नहीं, अब तर गया वंश कबीर का, जो घर में आया माल, आटा बाटा मंगाइए खाइए खिलाइए, इनसे पूछो 10 दिन के अंदर आपने क्या सत्संग सुनाया क्या याद है। पूछा तो उन्होंने कहा नहीं याद है, हमने परसों क्या कहा बोले नहीं याद है, 2 दिन में क्या क्या, तो एक एक वाक्य रट के बता दिया। जब रट के बता दिया बोले ले अपन पैसा वापस कर दिया। इसीलिए मुफ्त में सला ज्ञान भी नहीं जाता है। कुछ चपत लग जाती तो बढ़िया सुनते, मारे तसल के कान खोल के सुनते रहेंगे आखिर क्या कहते हैं क्या कहते हैं, कहीं गलती पकड़ेंगे। बोलो श्री गुरुदेव भगवान ने की।